सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, सभी सेफ होंगे। तो अभी अपन लेके आ चुके हैं हंटर, जो लेटेस्ट वाला E20 वाला मॉडल, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर बाइक को परचेज करना सही रहेगा नहीं, क्योंकि ये जो रियर में ड्रम ब्रेक है वो वाला मॉडल है, बेस मॉडल है, ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, काफी अमेजिंग लग रही है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें काफी सारा काम भी हो रखा है, तो इसके ओनर को सबसे पहले बुलाते हैं कि पर्टिकुलर ये वाली बाइक ही क्यों परचेज करी, और इस बाइक को परचेज करने के बाद क्या क्या चीजें अच्छी फील हुई, और क्या उन्हें लगा कि और बेटर हो सकती है इस बाइक के अंदर, सभी बारे में बात करेंगे। तो एक बार अपने ही दोस्तों उनको बुला लेते हैं। दीपांश भाई आजा। तो ये दीपांश, इन्हीं की ये बाइक है। तो यार सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी थी, अभी जयपुर में इन्होंने परचेज करी, जयपुर में ऑन रोड ये बाइक कितने की पड़ी? ये एसेसरीज तो इसकी 17,000 की है, वैसे पड़ी है 186,000। 186,000 की और 17,000 की एसेसरी। तो एसेसरीज में क्या क्या लगवाया है? ये बार एंड मिरर्स है, ठीक है, ये क्रैश गार्ड, ठीक है, इंजन गार्ड, ठीक है, और सीट कवर है, सीट कवर इंक्लूडेड है। अच्छा, ये इंक्लूडेड है जो अपनी ऑन रोड प्राइस है उसके अंदर। अच्छा, लगवानी पड़ती है, ठीक है। एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ अलग से करवाया बाहर से जो अपन ने करवाया? बाहर से अपन ने कुछ ऐसा करवाया है? नहीं, बाहर से कुछ नहीं करा, एक पीपीएफ करवाया। पीपीएफ करवाइए। पीपीएफ की रेट कितने की पड़ी अपने को? 6,500 की। 6,500 में पीपीएफ, वही फुल बॉडी की? हाँ, फुल बॉडी, ठीक है। तो ठीक है, डिटेलिंग माफिया से। तो अभी अपन इसकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है उसके हिसाब से पूछना चाहूंगा कि इसका एक और मॉडल आता है जिसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक आती है, हाँ, तो उसको खरीदने का क्या रीजन नहीं रहा पर्टिकुलर ये वाली बाइक की क्यों खरीदी? मुझे पर्टिकुलर ब्लैक कलर चाहिए था। अच्छा, ये वाला ब्लैक कलर चाहिए था, ड्यूल टोन था। अच्छा, उसमें ड्यूल टोन आ रहा था तो इसलिए अपन ने ये वाली खरीदी है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ऐसे अगर और कभी भी दूसरी बाइक चलाई हो, जैसे रॉयल एनफील्ड की क्लासिक भी आती है, नई वाली क्लासिक है या दूसरी बाइक है, तो उनकी तरफ ना जाके पर्टिकुलर हंटर ही क्यों ली? क्योंकि मुझे कैफे रेसर पसंद थी, कैफे रेसर बाइक, मतलब कैफे रेसर वाला लुक चाहिए था, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा तुम्हें जो लगता हो कि इस बाइक के अंदर और होना चाहिए था? ऐसा एक गियर ऑन होना चाहिए था, एक गियर और होना चाहिए था। लाइट हैलोजन सही है या एलईडी होनी चाहिए थी? लाइट तो ठीक है, वो तो आफ्टर मार्केट भी लग जाएगी, लेकिन सफिशिएंट है। अच्छा, ठीक है, सच कोई नीड नहीं है। ओके, और इसकी जो पीछे वाली सीट है वो थोड़ी स्टिफ है, पीछे वाली स्टिफ, हाँ, जो पीछे वाला पोर्शन है राइडर के लिए सही है, हाँ। और सस्पेंशन थोड़े से हार्ड है, हार्डर साइड। अच्छा, ठीक है। तो अपन ने ये बाइक एक बार कितने किलोमीटर चला ली है बता दो आप मुझे। ये हमने चला ली है 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर, अभी लाइव कितना टाइम हो गया इसको? दो हफ्ते में 1100 किलोमीटर अपन ने बाइक चला ली है। तो इसकी ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्विस तो हो चुकी होगी? हाँ, फर्स्ट सर्विस हो गई थी 500 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग कितनी आई अपने पास इस गाड़ी की? 1700 रुपए कॉस्टिंग। उसमें क्या क्या चेंज हुआ गाड़ी में? उसमें ऑयल चेंज हुआ था, हाँ, चेन ल्यूब डला था, और गाड़ी की वॉशिंग, गाड़ी की वॉशिंग, चेन ल्यूब और ऑयल, और ऑयल फिल्टर जो होता है वो चेंज हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं ब्रेकिंग के बारे में बात करूं कि ब्रेकिंग पीछे वाली अच्छी लगती है या जो डिस्क ब्रेक आती है वाली ज़्यादा अच्छी है? डिस्क ब्रेक वाली मैंने चलाई नहीं। डिस्क ब्रेक वाली आपने चलाई नहीं, हाँ। तो मतलब इसकी ब्रेकिंग आपको सही लगती है? और बहुत बाइट होनी चाहिए आगे, एबीएस है। अच्छा, सही है, दोनों ब्रेक्स लगाओ तो सही है, वरना पीछे वाला स्लिप होता है, पीछे वाला स्लिप हो जाता है। तो पीछे आरएलपी नहीं है शायद? अच्छा, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसको परचेज करने के बाद कि मैं थोड़े से और पैसे देके ये वाइल ले लेता या थोड़े कम पैसों में वाइल ले लेता, कुछ ऐसा नहीं, लगता नहीं, है आपको? बिल्कुल नहीं। और पावर कैसी है बाइक के अंदर, मतलब हाईवे पे जब चलाई होगी बाइक, हाईवे पे चलाई ऑब्वियसली, तो हाईवे पे चलाने के बाद ऐसा फील हुआ कि पावर कम है या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, सफिशिएंट है। अच्छा, और एग्जॉस्ट नोट कैसा निकल के आता, सब कुछ बढ़िया? एग्जॉस्ट नोट सही है, अच्छा है, ना ज्यादा लाउड है ना ज्यादा वैसे मीडियम। अच्छा, ठीक है। और टायरों की ग्रिप? टायरों की ग्रिप मिट्टी के ऑफ रोडिंग के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन एज अगर आप रोड पे चलाते हो, हाईवे में चलाते हो तो बहुत बढ़िया। अच्छा, रोड पर हाईवे बढ़िया, ऑफ रोडिंग के हिसाब से ज़्यादा सही नहीं है। और सस्पेंशन ऑफ रोडिंग के हिसाब से सही है या सिर्फ रोड के हिसाब से? रोड के हिसाब से ऑफ रोडिंग ज़्यादा नहीं हो सकती है इससे, ठीक है। और अगर आप जैसे इसकी हाइट जो है इतनी सफिशियंट है कि जो स्पीड ब्रेकर में से निकल जाती है नीचे अड़ जाती है? स्पीड ब्रेकर से उनमें निकल जाती है, लेकिन जैसे अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग या फिर गाँव वाली साइड में जाओ, जहाँ बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वहाँ अड़ती है। तो कुछ ऐसा और जो आप इसमें लगता है कि आपको भी इसमें ऐड ऑन कराना है, या अभी बाद के कुछ फ्यूचर प्लान्स जो आपको इसमें ऐसे लगी कि आप ऐड ऑन करवा सकते हो? हाँ, इसमें खूब सारी चीजें हैं। अच्छा, जैसे इसका एयर फिल्टर चेंज कराऊंगा, इसका एग्जॉस्ट चेंज होगा, इसकी अच्छा चेंज होगी, हाँ। और भी बहुत सारी चीजें, चेन सेट चेंज होगा पूरा, ब्रास वाली चेन डलेगी। अच्छा, ब्रास वाली चेन लगवाने का प्लान है? जो इसके रिम्स है, उसके जो स्पोक्स हैं वो क्रोम में, उनको डी क्रोम करवा के ब्लैक करवाना है। अच्छा, तो ओवरऑल इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी? सच अगर मैंने कैलकुलेट कर रखा है वैसे, हाँ, एक अजम्पशन, 25,000 या 20,000 के रहा।
20-25 हज़ार रुपए के बीच में। माइलेज के बारे में भी बात कर लेंगे इस बाइक का कि क्योंकि अलग अलग स्पीड पे जो है बाइक अलग अलग माइलेज देती है, इन्होंने हाईवे पे भी चलाई है और नॉर्मल सिटी में भी चलाई है, तो एक बार दोनों के माइलेज के बारे में बात कर लेंगे कि पहले सिटी का माइलेज अभी बाइक कितनी दे रही है 1100 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी। सिटी का अराउंड है 28, ठीक है, और अगर आप हाईवे में जाओगे तो 32-33। अच्छा, और अभी फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज पहले थोड़ा सा अच्छा हुआ है या इंजन रिफाइनमेंट थोड़ा और ज्यादा हुआ है बाइक के अंदर पहली सर्विस के बाद, कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं है सच कोई फील, गियर वैसे ही लग रहे हैं अभी भी, माइलेज भी उतना ही दे रही है अभी भी, तो माइलेज में और अभी वैसे रिफाइनमेंट में ऐसा कुछ सच फर्क नहीं आया? और बाइक की एग्जॉस्ट नोट में कुछ चेंज आया हो? हाँ, थोड़ा सा एग्जॉस्ट खुल गया। अच्छा, थोड़ा सा एग्जॉस्ट खुल गया, आवाज अच्छी हुई। और पिकअप वगैरह कुछ चेंज हुआ बाइक का? नहीं, पिकअप सेम है एकदम मस्त। ठीक है, तो अभी इसकी फ्री सर्विस कितनी मिली है? फ्री सर्विस इसकी 4 सर्विस फ्री, 4 सर्विस फ्री मिली है। और वो कितने कितने किलोमीटर पे होंगी? एक होगी 500 पे जो हम करा चुके, जो ओपन ही हो चुकी है, उसके बाद 5,000, 10,000, उसके बाद 15,000। तो 4 सर्विस फ्री मिली है, ऐसा है? ठीक है, तो ये कुछ बात थी जो अपन ने इस रॉयल एनफील्ड हल्टर 350 के ओनर से बात करी। इसको अभी 1100 किलोमीटर हुए हैं, 1100 किलोमीटर गाड़ी चली है, फर्स्ट सर्विस हुई है अभी गाड़ी की, अगली सर्विस 5,000 किलोमीटर पे, तब तक अगर सेकंड सर्विस होगी उसका अगर वीडियो बना पाए तो उसका भी वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट जो निकल के आता है, कितनी कॉस्टिंग निकल के आती है। आप मुझे बाकी नीचे कमेंट करके बताना कि अगर आपको इसकी और कोई वीडियो चाहिए पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे, इस बाइक की कोई वीडियो चाहिए हो, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जाननी हो तो आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर लेना ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आता रहेगा ऐसी वीडियोस का, मैं आपसे दूंगा किसी बढ़िया सी अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए आडियोस अमीगो, साइनिंग ऑफ, आर्य व्लॉग्स।